वेलकम टू आयशा कुकिंग वर्ल्ड। आयशा कुकिंग वर्ल्ड में आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चावल के आटे से बने अंगूरी बॉल्स। चटपटी भी, नरम भी, फ्लेवरफुल, और ये नाश्ता बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाता है, बहुत टेस्टी भी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी बनाना। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने लिया है ये 1 कप चावल का आटा। चावल का आटा इजीली मार्केट में मिल जाता है, या फिर आपके पास कच्चे चावल हैं तो उसको ग्राइंडिंग जार में डालकर फाइन पाउडर बना लें। 1 टेबल स्पून नमक डालेंगे। अब ये फाइन चॉप हुई प्याज भी डाल देंगे इसमें, जितनी भी आपको पसंद है प्याज इतनी डालें। मैंने बस ये 3 टेबल स्पून प्याज डाली है इसमें, और ये कटी हुई अदरक भी डाल देंगे, और थोड़ा सा ये हरा धनिया डालेंगे रफली चॉप हुआ। पानी के साथ हम इसका घोल तैयार कर लेंगे, जैसा चीला डोसा वगैरह का घोल होता है ना, वैसा हम इसका बैटर तैयार करेंगे। चावल कच्चे हैं तो ये पानी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए हम इसमें ज़्यादा पानी रखेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए साइड पर रख देंगे फूलने के लिए। 1/2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा भी डालेंगे इसमें, और लाइट हैंडली इसको मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे बस। बैटर को रेस्ट पर रखे 5 मिनट हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई को हम गर्म कर लेंगे। मैंने थोड़ा सा तेल लिया है इसमें, 2-3 टेबल स्पून के करीब। तेल के गर्म होने पर हम बैटर को कढ़ाई में डालेंगे और टाइट हाथ से इसको चलाते जाएंगे। ऐसे चलाते जाएंगे और पकाते जाएंगे इसको। और इस बैटर का ना हमें सॉफ्ट जो डो होता है ना वो तैयार करना है, एकदम बिल्कुल सॉफ्ट वाला जो आटा हम तैयार करते हैं ना रोटी बनाने के लिए, बिल्कुल वैसा तैयार करना है। ऐसे मैश करते जाएंगे इसको और पकाते जाएंगे, फोल्ड करेंगे, मैश करेंगे, इस तरीके से पका लेंगे। चावल के आटे का हम कितना भी फाइन पाउडर ले लें या हम घर में ग्राइंड कर लें उसको, लेकिन पानी के साथ जब हम उसको मिक्स करते हैं ना तो थोड़ा दरदरा टाइप का हो जाता है, इसीलिए हम बैटर को मैश करते जाएंगे और पकाते जाएंगे। देखिए कितना अच्छा ये फोल्ड हो रहा है, एकदम स्मूथ जो कंसिस्टेंसी होती है ना, एकदम ये स्मूथ कंसिस्टेंसी में आ गया है। बैटर एकदम सॉफ्ट आटे वाली फॉर्म में आ गया है, और बैटर को हम एक बॉल में निकाल लेंगे और इस तरीके से फैला देंगे, चारों साइड पर फैला देंगे इसको ऐसे मैश कर करके। हम इसको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे ठंडा होने के लिए, अजीब सा हो जाएगा इसका, जब हम बॉल्स बनाएंगे तो बन नहीं पाएंगे वो ठीक तरह से, एकदम इसमें स्टार्च होता है ना वो जुड़ सा जाएगा ये। अब हाथ पर मैंने ये 2-3 ड्रॉप ऑयल लिया है, इससे एक छोटा पोर्शन उठाएंगे हम और टाइट वाली जो छोटी बॉल होती है ना वो बनाएंगे। इस तरीके से ये छोटा सा पोर्शन उठाएंगे इसका, और थोड़ा सा टाइट हाथ से ऐसे गोल करते जाएंगे, बिल्कुल हथेली के बीच में रखकर इसको ऐसे गोल घुमाते जाएंगे, बिल्कुल टाइट करेंगे। अगर हम इसको ज़रा भी लूज छोड़ेंगे ना तो ये जब हम इसको मसाले में डालेंगे तो ये बिखरने लगेगी, बहुत अच्छा स्पॉन्जी टेक्सचर इसका नहीं आएगा। ये चावल के आटे से बनी बॉल को आप स्टोर भी कर सकते हैं, ऐसे प्लेन बनाकर रख लीजिए, जब भी गेस्ट आए या आपका खाने का मन हो तभी फटाफट से फ्रिज से निकाल कर फ्राई कर लें। बच्चों के टिफ़िन के लिए भी ये बहुत अच्छी रेसिपी है, ट्रैवलिंग के लिए भी बहुत अच्छी रेसिपी है ये, और टेस्टी नाश्ता है ये। थोड़ा सा डो इसका बचा है, इससे मैं कुछ टिक्की बना लेती हूँ। अब एक पैन लिया है मैंने और गरम कर लिया है मैंने पैन को, और ये 2-3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाला है मैंने इसमें। पैन को ग्रीस कर लेंगे, ठीक तरह से ग्रीस कर लेंगे चारों साइड पर, आटा है तो बहुत जल्दी से चिपकने लगेगा इसलिए हम ग्रीस कर लेंगे पैन को। अब मैं इस तेल में ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून राई के दाने, कटा हुआ हरा धनिया, और ये 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स। फ्राई कर लेंगे इसको, मसालों को क्रंची फ्राई होने के बाद पैन में हम ये बॉल्स भी डाल देंगे और इस तरह से इसको फ्राई करेंगे, इसको टोस्ट करेंगे, टोस्ट करते हुए फ्राई कर लेंगे इसको। ये बॉल्स की लेयर भी बहुत क्रिस्पी हो गई है और मसाले भी सारे अच्छे तरीके से इस पर कोट हो गए हैं। मैं इसमें क्या कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून ये सफ़ेद वाली तिल डाल रही हूँ, बिल्कुल ऑप्शनल है आपके पास तो डाल दें, अगर नहीं है तो स्किप कर दें। ये बॉल्स को बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, पहले से ही आटा बहुत ज़्यादा पका हुआ है, घोल कर भी रखा था मैंने इसको, तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस ऊपर की लेयर इसकी क्रिस्पी हो जाए थोड़ी सी और स्पाइसी हो जाए। और बस ये अंगूरी बॉल हमारी तैयार है प्लेटिंग के लिए। ये बॉल्स को मैंने प्लेट में सेट कर दिया है, आप इंजॉय कर सकते हैं इसको चटनी के साथ, सॉसेस के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।